अगला खबर रायपुर ले बता रहा था जहाँ छत्तीसगढ़ भर भाजपा के सूची जारी हो गया। INH 24/7 के लिस्ट पर मुहर लग गए। दूसरा सूची में 64 नाम शामिल है। बता दें राजनांदगांव ले डॉक्टर रमन सिंह ला टिकट मिले हैं, भिलाई ले प्रेम प्रकाश पांडे ला टिकट मिले हैं, पत्थलगांव ले सांसद गोमती साय ला भी टिकट मिले हैं, रायगढ़ ले ओपी चौधरी ला टिकट मिले हैं, वही कुनकुरी ले विष्णुदेव सायला उम्मीदवार बनाएगी से, रामपुर ले ननकी राम कंवर ला टिकट मिले से, लोरमी ले सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ला उतारेगी से, बिलासपुर ले अमर अग्रवाल ला टिकट मिले से, जांजगीर ले नारायण चंदेल ला उम्मीदवार बनाएगी से, भाटापारा ले शिवरतन शर्मा ला टिकट मिले से, धरसीवा ले छत्तीसगढ़ फिल्म कलाकार अनुज शर्मा ला भी टिकट देगी से, कुरुद ले अजय चंद्राकर ला टिकट मिली से, वही रायपुर ग्रामीण ले मोती साहू ला टिकट मिली से, रायपुर पश्चिम ले राजेश मूणत ला, रायपुर उत्तर ले पुरंदर मिश्र ला टिकट देगी से, वही रायपुर दक्षिण ले ब्रिजमोहन अग्रवाल ला टिकट देगी से, साजा ले ईश्वर साहू ला टिकट देगी से, वही अंतागढ़ ले विक्रम उसेंडी ला मैदान में उतारेगी से। बात करने के लिए मौजूद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, उनसे बात करेंगे। सर दूसरी सूची जारी हो गई है, कैसे देखते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी ने 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। कुल मिलाकर 90 में से 85 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। निश्चित रूप से इस सूची में जहां 43 ऐसे प्रत्याशी हैं 85 में जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और वहीं अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का सहयोग सभी को मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको दोहरी जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश की कमान भी संभालना है, प्लस आप लोरमी से भी चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे इस जिम्मेदारी को देखते हैं? कार्यकर्ताओं के सहयोग से दोनों जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अभी सूची पर विरोध हुआ था, अब यही सूची आ गई है, तो जो विरोध हुआ था उसको कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल भी कोई विरोध नहीं हुआ था, अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई थी, इसलिए कार्यकर्ता अपनी बात रखने आ रहे थे। आज अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है, सभी कार्यकर्ता प्रत्याशी के पक्ष में कमल के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दोहरी जिम्मेदारी जो दी गई है उसको वो बखूबी ऊर्जा के साथ निभाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दूसरी सूची में 64 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है वो सभी जिताऊ प्रत्याशी है। कैमरामैन अरुण के साथ स्वप्न गोरखे, INH न्यूज रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए और जनता के साथ में जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, वादा खिलाफी हो रही है, माफिया राज पैदा कर दिया गया है, कानून व्यवस्था की स्थिति तार तार हो गई है, चाहे कैंपा घोटाला हो, ये सब घोटाले अब सरकार के खिलाफ में चिपक गए हैं। सिर्फ लोगों को तमाचा दे मारने का काम कर रहा है, वो लोगों के विकास के लिए, लोगों के जीवन की समृद्धि के लिए काम नहीं कर रहा है। लोग इसका बदला लेंगे। हमारे साथ में ईश्वर साहू जी हैं। सर, लगातार आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब जो है पार्टी ने आपको अवसर दिया है भाजपा प्रत्याशी के रूप में, कैसे देखते हैं इसको आप? हम, तो खुशी की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी जो एक इतने बड़े कार्य हो पाए, जो मेरे पे उम्मीद जताया है, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आपने जैसे बताया आप मजदूरी करते हो, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में चुनाव में भारी भरकम राशि खर्च होता है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी है, हमको रकम चुनी, हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हम यानी कि दौलत के दम पे नहीं, ना पैसे की दम पे, हम एक न्याय की दम पे, हमारे हिंदुत्व के खातिर, हमारे सर्वसमा हिंदुत्व के खातिर हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी की ऐसा ना हो हमारे और हिंदुत्व के साथ कोई परिवार, किसी का परिवार ना उछड़ी, किसी का बच्चा को ऐसे खुलेआम ना हत्या करती, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे। हम तो गरीब है, कमजोर है, और गरीब का जिस टाइम में मेरे लड़के की हत्या की है, उस टाइम में हमारे सर्व हिंदू भाई लोग, सर्व समाज के हिंदू भाई लोग हमारे साथ दिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा आर्थिक दुख
की घड़ी में हमारे आंसू पोंछे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जो मेरे पे जो भी रखा है वो उसको मैं पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मतलब एक तरफ जो है लोग जो है शराब बांटेंगे, दूसरी तरफ आप हिंदुत्व और जो है लोगों के बीच जाकर भरोसा हासिल करें। भरोसा बट मैं क्या कर सकता हूँ गरीब, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ, यही आप मेरी भीख की दुआ रही। इनके भाई भी हैं, छोटे भाई हैं आप भाई को पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में देखा है, क्या कहेंगे आप? जितना मैं तो सबसे पहले यही कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत का नंबर वन राष्ट्रीय पार्टी है, जो एक गरीब परिवार जो रोज प्रतिदिन मजदूरी करके आता है उसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है तो मेरा भाई ईश्वर साहू उसको निश्चल उसको जीत आकर लाएगा। और हम साझा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में ईश्वर साहू को देख रहे हैं और विजय होकर आएगा। ये जो है हालांकि जो इनकी आर्थिक स्थिति नहीं है लेकिन इनके अंदर जो जज्बा है वो देखने लायक है, इनके भाई का है और ये जो ईश्वर साहू उनका है। ये लोगों के बीच जाएंगे और हाथ जोड़कर न्याय के लिए वोट मांगेंगे। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर जनता किसको अपना सरताज देता है। सूरज सिन्हा, आईएनएस न्यूज, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भाजपा की दूसरी सूची जारी हो गई और सामरी से भाजपा ने उद्देश्वरी पैकरा को ही उम्मीदवार बनाया है। यह वही नाम है आईएनएच ने जिस नाम की पुष्टि 2 अक्टूबर को ही कर दी थी। उद्देश्वरी पैकरा मेरे साथ है और टिकट मिलने के बाद पहली बार वो किसी टीवी पर सामने आ रही है। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे होंगे जो सामरी में वो जनता के बीच लेके जाएंगे और क्यों जनता आपको वोट करेगी, बताइए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आईएनएच की को मैं धन्यवाद, चैनल को धन्यवाद देती हूँ और इन्होंने 2 अक्टूबर को ही संभावित प्रत्याशी में नाम लिखा दिया था। उसी दिन से मैं संतुष्ट हो गई थी लेकिन आज हमारे जो हाई कमान जो है केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व और जिले के सभी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का ये दिल जीतने के लिए और सभी के इच्छा के लिए काम करने के लिए आज यह हमारा नाम सामरी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में घोषित हुआ है। निश्चित तौर पर सभी मीडिया वाले को, सभी प्रदेश वाले को और केंद्र वाले को, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देती हूँ और सभी सामरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देती हूँ कि आगे सब मिलजुल करके आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इसके लिए सब मिलजुल करके काम करेंगे। क्या होंगे, किस मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, जनता क्यों वोट करेगी बीजेपी? निश्चित तौर पर आप जान रहे हैं, आप तो मीडिया के हैं और जो विपक्ष ने जो पिछले बार वादा किया था 36 वादा, उस वादे में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और इसी वादे को लेकर के हम पूरे विधानसभा में घूमेंगे और इसी मुद्दे को लेकर आगे लड़ाई लड़ेंगे। तो जिस सामरी से भाजपा 10 सालों से हार रही है वहां से बीजेपी ने एक महिला प्रत्याशी को इस बार उतारा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि सामरी से किसी महिला प्रत्याशी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। उद्देश्वरी पैकरा वो नाम है जिस नाम की पुष्टि आईएनएस ने 2 अक्टूबर को ही कर दी थी कि वो सामरी से भाजपा की संभावित उम्मीदवार होंगी। सबसे पहले आईएनएस का आप इन्वेस्ट सुन रहे थे, इनका दावा है कि वो जीतेंगी लेकिन वक्त बताएगा कि इनके मुद्दे क्या होंगे जीत के और किस मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगी। घनश्याम सोनी, आईएनएस 24/7, बलरामपुर, सामरी। छत्तीसगढ़ भाजपा की आज दूसरी सूची जारी हो गई है। दूसरी सूची में 64 नामों का ऐलान किया गया है। धरसीवा की बात की जाए तो यहां से पद्मश्री अनुज शर्मा को टिकट दी गई है और उनसे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। टिकट आपको मिल गई है, अब क्या आपकी रणनीति रहेगी और कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सभी कार्यकर्ता मिलकर धरसीवा में कमल का फूल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। चुनौती मानते हैं क्या आप, क्योंकि अभी संभावित जो सूची आई थी उसके बाद
वहां पर पुतला कहीं ना कहीं जलाया गया था, तो कैसे देखते हैं इसको, जो विरोध हुआ था तो चुनौती मानते हैं क्या आप? देखिए ये सब बातें बहुत मायने नहीं रखती, हमारे यहाँ पार्टी में इतना अनुशासन है कि पार्टी में जब टिकट की घोषणा होती है उसके बाद सारे कार्यकर्ता मिलके इस चुनाव को लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के काम करने की परिपाटी है हमारा संगठन और हमारा नेतृत्व ये तय करता है कि किसे क्या दायित्व दिया जाए, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी ने मुझ पर यह भरोसा जताया है, तो धरसीमा से विजय श्री लाने की जिम्मेदारी हम सब की है, हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। काफी पहले से आप वहां पर सक्रिय हो गए थे, तो क्या परिस्थितियां वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता से भी आपने मुलाकात की है, कैसा माहौल वहां पर देख रहे हैं? देखिए धरसीमा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं रही हैं, और इस सरकार में तो बहुत सारी समस्याएं रही हैं, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो पाया है, वहाँ पर जो स्थिति रही है उससे लोग परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उन्हें मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि वहाँ की जो समस्याएँ हैं, बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं को अभी मैं नहीं गिनाना चाहता हूं, लेकिन वहां पर लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करे। बिल्कुल, हमारे साथ पद्मश्री अनु शर्मा, जिनको धरसीवा से टिकट दी गई है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि धरसीवा में सभी के साथ मिलकर कमल का फूल खिलाएंगे और इसको लेकर जो है पूरी तरीके से चुनावी मैदान पर वे उतरेंगे। कैमरामैन अरुण के साथ स्वप्न गोरखेड़े, आनंद न्यूज रायपुर।